मैं सारे का निघा स्वागत करना जी। बड़ी खुशी की गल है सोनू जी साढ़े दोस्त हो रहे जोत दई शाहकोट जसविंदर बिल्ला कौंसलर जी
मंत्री साहब विधायक राजू जी ने उद्यम करके अज असी कांग्रेस भाजपा अकाली दल ने गढ़ संघ लाती संघ की लाती तो कढ़ाई उत्तर उन्होंने उतरी बहुता ना कहता हुआ मनप्रीत सिंह बादल जी का इस निधन होने से बहुत बहुत जी आन मनप्रीत बादल जी के साथ है। हम पीपल पार्टी ऑफ पंजाब के साथ हाथ खड़े कीजिए, सभी हाथ खड़े कीजिए। पीछे वाले क्या खाना खा रहे हैं, पीछे वाले भी करें। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। मंच से बहुत सत्कार योग सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल उन्होंने नाल राजकुमार राजू उच्चा स्वर राजकुमार राजू राजकुमार राजू राजकुमार राजू मंच के ड्राइवर बहुत सत्कार योग सरदार मनप्रीत सिंह बादल उन्होंने नाल कैंट के एमएलए जगमीत सिंह बराड़ और मेरे वीर बलवंत शेरगिल जी, वीआर शर्मा जी, सुहाष गोरिया जी, संदीप पावा जी, सुनील जी और कनैल सिंह बिल्ला जी, बाकी भारत कैंप निवासी सत्कार जो मातो बुजुर्गो नौजवान वीरों तो बेनती करना चाहिए अपना सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी विचार कर रहे हैं 15 दिन तो इन्हों का दिल्ली गलबात चल रही और तुहाडा नाम मगरू लैंदा लोग इन्ना के खुश होंगे ने कि मनप्रीत सिंह बादल जी बहुत चंगे और ईमानदार इंसान है। सरदार जी एक तुहानू आप गल दसना चाहते हैं 64 साल तो एक कैंप वासियों का धक्का होता जा रहा है, कैंप निवासी 64 साल तो परेशानियों का सामना कर रहे हैं और असं भी तंग हो गए असं तंग हो गए सारे पार्टियां छड़ते थी सारे पार्टियों वाल मेरा कहता सीगा पहले बीजेपी की बहुत सेवा की आप उस तो मौका मिले कांग्रेस की काफी सेवा की पर हर लीडर ने कैंप ना धोखा किया कैंप की वोट 50-60 हज़ार वोट है जो इन्होंने वोटा लैने आने आज इन्हें हाथ जोड़ के असं तो अपने भाव हाँ 5 साल फिर उस तो बाद कोई इधर आंदा नहीं इन्ना को गल पुछता और जो साढ़े इन्ने भोले भाले कैंप निवासी है इन्हों इन्ना ज्यादा नुकसान पहुंचाता इन्होंने नशे में लाता इन्होंने इलेक्शन दिन इन्ना का नशा बढ़िया जाता वा भालको कैंप के और मेरे नौजवान वीर जोड़े नशे के मजबूरी में आदि हो चुके ने तुम एक दो गली का रोल कटो और तुम चापे सुनने मिलेगा कि क्या बनाते कि धक्का हो रहा बाकी रही स्टडी की गल इत भारत क्या मंडे ने जगह से कॉलेज बनाने वादा किया कॉलेज बनाने वादा दर्शन सिंह केपी जी करते रहे जदों इन्होंने को सरकार है भगत चुनी लाल जी को वह भी छप्पड़ ने कबला करके वेच दिता सॉरी भारतीय फैक्ट्री उत्तर फ्लैट बन गए ने इन्होंने इन्ने घटाले किए ने उस तो बाद रह गई गल इतने साढ़े छप्पड़ सीगा 27 कनाल जगह सी वह जगह से इन्होंने कुछ दिन पहले ही उत्ते एक कमेटी हल बनने का विचार से पहले विचार से लड़कियों का खोला ही बनेगा उस तो बाद कमेटी हल बनेगा इन्होंने अंदर ग्राउंड ही 67 मरले हिसाब से रजिस्ट्री अपने बंदे ना करती शरे 420 मुंडा गलती की उन्होंने जेड़ा बनने से जो कमेटी हल बनने से आम गरीब जनता के काम आने से उसमें भी इन्होंने धक्के शेक करके अपने करोड़ों रुपये कमा ली यह छप्पड़ अज तो 4 महीने पहले रजिस्ट्री करा के दौड़ पर से पैसा खाने पहुंचा बेकार करती कमेटी कटी जा रही है
उस तो बाद गल रही बूटा मंडी एक कोले मंडला वाला सी वह भी थोड़े देर पहले पेपर सुनो उस जगह सौदा हो चुका है वो बारे अभी मुजहरा करा मैं एंटी कलंसर पंजाब प्रेजिडेंट है पार्टी का कल लोग एंटी कलंसर बनाया जे इस गलत सिलेर करता जगह देती अभी रोड जाम करा सरार जी तुम साढ़े साथ देना है सराब मोदी तुम सारा जी तुम सा संजोग देना अभी रोड जाम करके नहीं पता कर देंगे और वह थोड़े को गाली करावे बाकी कैंप के बहुत शुरू धक्का होता जा रहा असी थोड़े विचार सू बहुत वधिया लगे थोड़े विचार सदका थोड़े नाल जुड़े हैं सानू कोई टिकट का कोई लीडरी का लाल चलेगा असं अगर कैंप च चंगा लीडर आए और कैंप सही रस्ते पावे जी इतने जरूरत वा वो पूरे कि जान गलत तो बहुत गलत हुआ पब्लिक तो सुनने ले आई है और तुहाडे विचार सुनने हैं एने कदम चाहे पंजाब की शान सरदार मनप्रीत सिंह बादल साहब बुजुर्ग मावा स्टेज पे बैठे सारे मोजिस हजरात खवातीन मैं आप सबका इस गल का बड़ा धन्यवादी है कि तुसी अपने कारोबार ते कबीलदारी के काम छड़ के ते आज राजकुमार जी ने इस जलसे दे विच तुसी मेरी उम्मीद दे विच खड़े हो हाजरी अज तो चार साल पहला मोहाली के स्टेडियम दे विच पंजाब दे गवर्नर साहब ने जो हिंदुस्तान का दस्तूर है उस दस्तूर के अधीन मैं इस देश प्रति वफादारी का हल्फ लिया हिंदुस्तान मेरा घर है और इसके लोग मेरा कुनबा ने ते मेरी पिछले चार साल तो एक पुर खलूस कोशिश थी कि इस घर को सुंदर बनाया जाए इस घर को मजबूत बनाया जाए दोस्तों मैं पंजाब के खजाने का वजीर सी जिथे भी मैं जाता सी लोगों चाह चढ़ जाता सी खुशी होंगी सी कि खजाने का वजीर आ गया साडिया गलियां बनवा दूंगा नालियां बनवा दूंगा ते मैं अपने ढिड दे विच कुड़िया करता सी अपने मन दे विच मैं कुड़िया करता सी कि देश नू आजाद होया 64 साल हो गए 64 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं हुंदा 64 सालां दे विच साडियां तिन पीढ़ियां जवान हो गईयां ते देश दे लोग 64 साल आजादी तो बाद भी गलियां नालियां दियां आसां लाई बैठे है दोस्तों आजादी खैर च नहीं मिली आजादी भीख मंग च नहीं मिली इस देश नू आजाद कराने लई इस देश के हजारा बेटे बेटिया ने अपने दुनियावी सुखा नू अग ला के इस देश की तवारीख अपने खून नाल लिखी सी भार्गव कैंप के इस जलसे के विच किन्ने क लोग किनिया भैणा नूं इह पता कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस ICS दे विच भर्ती हो गए जिन्हां ने DC लगना है वह पहला IAS बनना पैंदा ते नेता जी अंग्रेज वेले नूं ICS कहिंदे सी नेता जी ICS दे विच भर्ती हो गए अंग्रेज दी नौकरी नहीं कीती नौकरी छड्ड के आजाद हिंद फौज खड़ी की जो अंग्रेज के खिलाफ वर्मा की लड़ाई लड़ रहे थे नेता जी लड़ते लड़ते 2-4-6 महीनों के इतने कमजोर हो गए नेता जी सुभाष चंद्र बोस कि एक दिन छप्पड़ तो पानी पीन लगे
छप्पड़ तो पानी पीन लगे बुक्का नाल पानी नहीं पीता गया, पशुआ वांगू पानी पीता, जिवें डंगर पानी पींदे है। आईसीएस दीआं नौकरियां छड्डतीआं ते डंगरां वांगू छप्पड़ा तो पानी पीता, फिर यह देश आजाद होया सी। कितने लोग इत्थे बैठे है जिन्हां नूं इह याद होऊगा या किसी ने नाम भी सुनिया होवे, राम प्रसाद बिस्मिल जड़े सन, फांसी की सजा होगी, क्रांतिकारी सी, शहीद भगत सिंह दे गुरु सन, चंद्रशेखर आजाद दे उस्ताद सन, ते राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर यूपी की जेल दे विच जदों फांसी की सजा होगी ता काल कोठड़ी च बंद है, ते काल कोठड़ी दे विच सिपाही राम प्रसाद नूं रोटी देण आया। राम प्रसाद दा कद सी 6 फुट 5 इंच, पहलवानी करिया करदे सी, ते जदों सिपाही रोटी देण गया राम प्रसाद ने उस सिपाही नूं जफा पा लिया, सिपाही नूं जेल च बंद करता ते जेल चों बाहर चले गए।